अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क का लाइव ब्रॉडकास्ट। सीधे मुखातिब है आपसे हम हज हाउस बेमना से। जैसा कि इससे पहले भी हमने एक लाइव किया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो हाजी साहिबान हैं आ रहे थे हज हाउस की, और जिनको रिपोर्टिंग टाइमिंग थी 8 बजे, और इस वक्त सी ऑफ करने वाले हैं हज पिलग्रिम्स को। और बिल्कुल तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। हर कोई फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हुई थी। अगर बात करें एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस मौजूद थी। अगर बात करें ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर की, वो मौजूद थे। अगर बात करें सीआरपीएफ की, नौजवानों की जो हमारी देख रेख करते हैं, जिनकी वजह से हम अभी खुलेआम घूम रहे हैं, तो वो अपना काम शाना बशाना अंजाम दे रहे हैं। ये रही जम्मू कश्मीर पुलिस, शाना बशाना हमेशा साथ रहते हैं। अगर जैम की, ट्रैफिक जैम की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं रहा।
जो पिछले साल की तरह ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा रहा था। गाड़ियाँ देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो हमारे तहफ़ के लिए होती है, बिल्कुल हमेशा सड़कों पर खड़े होते हैं। अगर बात करें इलेक्शंस की या अभी हज जो पिलग्रिम, अगर अभी बात करें हज की या अगर बात करें हम पार्लियामानी इंतखाबा जो आ रहे हैं, तकरीबन दो महीने से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो खड़ी है, अपना काम अंजाम दे रही है। आपको इस वक्त लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं बेमिना हज हाउस से। ये कुछ लोग अपने अपनों को, ये दूसरा काफिला निकलने वाला है, ये लोग अपने अपनों को अलविदा कर रहे हैं। जैसे कि इरफान फाजिल साहब ने बोला कि बुलावा तो वहीं से आता है, हमारी बस दुआ रहेगी हमारा भी बुलावा वहां से आ जाए, उस नेक जगह से हमारा भी बुलावा आ जाए। देख सकते हैं आप यहाँ पे लोगों का जामे गफीर है, क्योंकि लोग आ रहे हैं अपने अपनों के साथ आ रहे हैं, अपने अपनों को अलविदा करने के लिए आ रहे हैं। और हम दुआ करते हैं कि अगर यहाँ से ये लोग गए हैं जैसे ही हंसी खुशी से कश्मीर से पर्टिकुलरली गए हैं, या जम्मू से गए हैं, या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से गए हैं, हम दुआ करेंगे कि हम ऐसे ही हंसी खुशी से जैसे यहाँ से गए वैसे ही वहाँ से भी हंसी खुशी से आ जाए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वो देखिए दूसरा काफिला जो सेकंड बैच है, पहला बैच तो खैर निकल गया आपने जो विजुअल्स में देख ही लिया, और ये जो आ रहे हैं अभी हाजी साहिबान, ये सेकंड बैच के लिए जा रहे हैं जिदा शरीफ। और दुआ में याद रखिएगा, रब्बुल इज्जत से दुआ ही करते हैं कि हमें भी वो नसीब करे हज पे जाने के लिए, उमरा पे जाने के लिए। हमारी अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या सुते नाव आयशा आयशा, दुआ करियो पन्नन कशीरीजन कोरन खतर करियो दुआ। सबन को अल्लाह अपने फाजत दे, अल्लाह सबन को कामयाबी दे, अल्लाह सबन का नेक सवाब करे। आमीन आमीन। हमारे दुआ कीजिएगा, हमारे कश्मीरियों के लिए दुआ कर, हमारी कश्मीर की बेटियों के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा। जाए रब के हवाले, रब आपको यहाँ से भी सेहत सलामत भेजे, वहाँ से भी लाए। जी नजर किराम, तो फिलहाल के लिए आप जुड़ चुके हैं कश्मीर दास्तान न्यूज नेटवर्क के साथ, दिखाते रहेंगे आपको लाइव तस्वीर में के कैसे यहाँ पे जामे गफीर लगा हुआ है, अपने अपनों को अलविदा किया जा रहा है। फिलहाल के लिए तो एक काफिला निकल चुका है, तो दूसरा काफिला तैयार हो रहा है। वो देख लीजिए जहाँ पे ये जामे गफीर लगा हुआ है, ये दूसरा बैच आ रहा है। तो इंशाल्लाह जब वो वाली पहली वाली जो अभी बैच निकला, वो फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी, श्रीनगर से जिद्दा के लिए रवाना हो जाएंगे, तो उसके बाद ही यहाँ से दूसरा बैच निकलेगा। फिलहाल के लिए दुआ में याद रखिए।